देखें फाटिस जब पाक एक्टर्स को याद कर रोई थी श्रीदेवी। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी एक बार पाकिस्तानी एक्टर्स को याद कर कैमरे के सामने रो पड़ी थी। मौका था पिछले साल जुलाई का। इसी महीने में श्रीदेवी की मूवी मॉम रिलीज हुई थी। इस मौके पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें श्रीदेवी मॉम मूवी में साथ काम करने वाले एक्टर्स को याद की थी और उनके काम को लाजवाब बताया था। इस वीडियो में श्रीदेवी ने कहा था कि मैं आप लोगों पाकिस्तानी एक्टर्स अदनान सिद्दीकी और सजल अली के बिना ये फिल्म करने की सोच भी नहीं सकती। आइए जानते हैं तब इमोशनल श्रीदेवी ने और क्या क्या कहा था। आपको बता दें कि मॉम मूवी के प्रोड्यूसर श्रीदेवी के पति बोनी कपूर भी थे। श्रीदेवी ने वीडियो की शुरुआत कुछ यूं की थी। अदनान जी सलाम, सज्जल मेरा बच्चा, आई लव यू, मैं नहीं जानती, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं सच में मिस करती हूँ, जिस तरह आप लोगों ने काम किया है लाजवाब है। श्रीदेवी ने वीडियो में कहा मैं सोच भी नहीं सकती आप लोगों के बिना इस मूवी को करना, स्पेशल मोमेंट्स याद आ रहे, मैं मिस करती हूँ आप सभी को, आई एम सॉरी, ऑल द बेस्ट, सी यू संडे। यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि शूटिंग के पहले ही शेड्यूल में वे पाकिस्तानी एक्ट्रेस सज्जल के काफी करीब आ गई थी। उनकी दोनों बेटी भी सज्जल से काफी बात करने लगी थी। उन्होंने कहा था कि वे महसूस करती थी कि वे काफी दूर हैं, फिर भी मेरी बेटी हैं। उसने काफी अच्छा काम किया है, यह दुख की बात है कि वे हमारे साथ नहीं हो सकती। प्रमोशन के दौरान आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का निधन हो गया है। श्रीदेवी 54 साल की थी। उन्होंने दुबई में आखिरी सांस ली। मौत की खबर सुनने के बाद मुंबई में श्रीदेवी के घर उनके फैंस का तांता लगना शुरू हो गया है। लोग देर रात से ही श्रीदेवी के घर के बाहर पहुंचकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। दुबई में मोहित मारवाहा की शादी थी। मोहित बोनी अनिल और संजय कपूर के भांजे हैं। इस शादी में श्रीदेवी भी शामिल हुई थीं। उनके साथ बेटी खुशी अनिल कपूर भी मौजूद थे। इससे पहले इंग्लिश विंग्लिश मूवी में कम बैक कर उन्होंने पर्दे पर जबरदस्त वापसी की थी। उनकी वापसी को फिल्म समीक्षकों ने बेहतरीन बताया था। श्रीदेवी के साथ खुदा गवाह, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्मों के नाम भी जुड़े हैं। इसके अलावा हिम्मत वाला, तोहफा, नगीना, औलाद, हीर रांझा, रूप की रानी, चोरों का राजा, लाडला, जुदाई जैसी यादगार फिल्मों में भी अभिनय दिखाया। 13 अगस्त 1965 को तमिलनाडु के शिवकाशी में पैदा हुई। बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। 4 साल की उम्र में 1967 में श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मुर्गा में बतौर चाइल्ड एक्टर अपना अभिनय दिखाया। इसके बाद 1975 में बॉलीवुड फिल्म जूली में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। श्रीदेवी खुद को काफी फिट रखा करती थीं। एक बार उन्होंने बताया था कि अपनी ब्यूटी और फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए वो स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करती हैं। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए श्रीदेवी नियमित रूप से हेड मसाज करती। श्रीदेवी रेड कारपेट और पर्दे पर तो अपना जलवा दिखाती ही थी, कैनवास पर भी उनकी कला के निशान देखे जाते थे। श्रीदेवी अच्छी पेंटर भी थी। उनकी पेंटिंग की दुबई में नीलामी की खबरें आई थी। श्रीदेवी के चेहरे पर उनकी उम्र हावी नहीं था। उनकी इन तस्वीरों को देखकर इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था कि श्रीदेवी वाकई 54 साल की थीं। इस बेहद खूबसूरत अदाकारा के जाने से पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन तक तमाम एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने श्रीदेवी की मौत की खबर पर दुख जाहिर किया।